अगर मैं कल को इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे बच्चे याद रखेंगे ऐसे लीडर के साथ मेरा बाबा खड़ा हुआ था जो उम्मत मुसलमान का लीडर था जो इस मुल्क के लिए जंग लड़ रहा था हकीकी आज़ादी के लिए। यार ये काम को अपनी जान की परवाह नहीं है, इस मुल्क के लिए लड़ रहा है तो हम लोग क्यों खामोश होकर घर बैठे हुए। तमाम पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूँ घरों से निकले आओ हकीकी आज़ादी का साथ दें, उस मुल्क को आज़ाद करो, करप्शन से पाक करो। जो ईमान वाले थे हमने उनको बताया, उनका खात्मा किया और हम ये काफी दिनों से देख रहे हैं इस्लामाबाद में आगे का कंटिन्यू हो गया, मंडी लगी हुई है और ये जब अवाम का समंदर जो आप देख रहे हैं ये जब उस तरफ जाएगा ये कंटेनर को इंशाल्लाह अपने साथ भाग ले जाए। और ये लोग अभी वो राना सलावला का बयान दे रहा था, वो कह रहा था कि खान साहब की जान को खतरा है, उनको ब्लास्ट हो सकता है, उनको किस चीज़ के जरिए दाखिल हो, तुम्हारा ये नौकरी तुम्हें ये कहती है, तुम्हारा ये होता है ये कहता है, तुमने पाकिस्तान के हर शहरी, ये नहीं इमरान खान की, हर शहरी की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर और तुम ये बैठ के सिर्फ ये लोगों को डरा रहे हो। ये किधर एजेंसियाँ आपकी, आप किधर के, ये सिर्फ इमरान खान के ऊपर सारे कानून लगने हैं। इन लोगों ने अदलिया को इतनी उनके खिलाफ बातें की, इनसे आज तक अदलिया ने नोटिस दिया, इमरान खान छोटी सी बात करते हैं बेचारे को पेशियाँ भुगतनी पड़ती हैं। और वो ऐसा बंदा है कि हम बनीगाला में थे, कितने उसके ऊपर केस हुए, एक भी आप पेशी वो साबित करें जहाँ इमरान खान साहब खुद पेश ना हुए, ना बीमार हुए ना, क्यों, वो सच्चा बंदा है और सच्चे बंदे के साथ ये पाकिस्तानी अवाम चट्टान की तरह करी है इंशाल्लाह। ये भुकराहट का शिकार हो चुके हैं, इनके बस में क्या नहीं है, ये अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से रास्ता मिलेगा तो हम भागे। ये इनको पता है अवाम खान के साथ डट के खड़ी हुई है, इमरान खान बन चुकी है, अब ये इलेक्शन करते हैं तो ये बेनकाब होते हैं क्योंकि इनको वोट ही नहीं मिलेंगे तो खान दो अक्सरियत से आएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, केसेस पे केसेस, अब इनका एक ही बस पे जो खान साहब खाना खाते हैं उस पर भी केस बना दे, अब ये सोच रहे हैं इस पर भी बना दे, लेकिन ये अब भुकलाट का शिकार हो चुके, ये हो गया जरदारी बीमारी, हो गया सिंह की बीमारी जरदारी, हो गया राना सिनावला मूंछों वाली बांदरी हो गई, और ये भगोड़ा हो गया जो लंदन में बैठा हुआ है वहाँ से फैसले करता है, कभी दूसरे मुल्क में कभी तीसरे मुल्क में, जहाँ भी जाता वहीं करप्शन करता है, वहाँ बेनकाब हो जाता है। वो भगोड़े जब करप्शन करते हो तो सामने करने के लिए भी सलाहियत भी रखो, अब में हिम्मत नहीं है तो ये अपने आप को खुदकुशी कर रहे हो।